पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। मेरा पहला रिएक्शन ये है कि इससे ज्यादा फेक स्टोरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्या विकास दुबे को इतना मामूली कोई फूल वाला मुलजिम मान रहे थे कि हाथ खुले हाथ के साथ चार पुलिस वाले ले जा रहे थे? विकास दुबे, ये नाम पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में चल रहा है। विकास दुबे को पुलिस पिछले कुछ दिनों से ढूंढ रही थी क्योंकि वह 8 पुलिस कर्मियों के मौत का दोषी है। आखिर 9 जुलाई को पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हुई। 3 जुलाई को पुलिस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे भाग गया था। 9 जुलाई को विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से हुई। विकास दुबे के यहाँ होने की सूचना वहाँ के गार्ड ने दी। यहाँ कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने जी, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल का दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया उसका हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आएगा भैया? ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हैं उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हैं उसको, 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारी सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए। हम लोगों ने, वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था जी? हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ गया। अभी कहाँ पे है उनको पकड़ के? अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है, अभी देखते हैं क्या। इस पर भी सवाल खड़े हुए कि विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचे। विकास दुबे के बीजेपी नेता के साथ लिंक्स भी बताए जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 जुलाई को विकास दुबे खुद ही सरेंडर हो गए। गिरफ्तारी के बाद उज्जैन से विकास दुबे को यूपी ले जाया जा रहा था। इस बीच पुलिस की माने तो 10 जुलाई यानी कि आज सुबह गैंगस्टर विकास दुबे को जिस कार में ले जाया जा रहा था वह पलट गई और वह और अन्य पुलिसकर्मी उसमें घायल हो गए। अपराधी विकास दुबे ने एक घायल पुलिस वाले से बंदूक छीन ली और भागने की कोशिश की। जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है, अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट कर रहे हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। मुठभेड़ से ठीक आधा घंटा पहले सुबह 6:30 बजे लिया गया एक और वीडियो मीडियाकारों के काफिले को रोकते हुए दिखाता है। वहां मौजूद लोगों ने भी कहा कि उन्होंने गोलियों की चलने की आवाज तो सुनी पर पुलिस ने उन्हें वहां पास में जाने नहीं दिया। सर, जो भी हमने लोगों ने आवाज सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी, तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे वहाँ पे किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। इस एनकाउंटर पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास दुबे की कार को क्यों बदला गया? इनकाउंटर के कुछ घंटे पहले सुबह 4 बजे एक टोल प्लाजा पर एक वीडियो में विकास दुबे एक अलग कार में बैठा देखा जा रहा है, लेकिन जो कार पलटी बाद में वह उसमें कैसे आ गया? दूसरा सवाल ये उठता है कि मीडिया जो पुलिस के काफिलों का पीछा कर रहा था उसे घटनाक्रम से 2 किलोमीटर पहले क्यों रोक दिया गया? वहां मौजूद लोगों का कहना है कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी लेकिन किसी दुर्घटना का जिक्र नहीं किया। वे कहते हैं कि उन्हें पुलिस ने वहां जाने से रोका। हत्या समेत 60 मामलों में एक खतरनाक अपराधी को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस का कहना है कि जब कार पलटी तो विकास दुबे बंदूक चुराने बाहर निकलने और भागने में कामयाब रहे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार से सवाल किए हैं
और उनकी कड़ी आलोचना भी की है इस मुद्दे पर। सारा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर एक पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर एक पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर एक पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर एक पे हैं, हत्याओं में नंबर एक पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है, और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेस से होता है, इनका संरक्षण जो सत्ता में है उनसे होता है। सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं। तो अब विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। मीडिया में इस इनकाउंटर को फर्जी इनकाउंटर भी कहा जा रहा है और पुलिस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिसार शर्मा ने अपने शो में पुलिस द्वारा किए इस इनकाउंटर पर कई सवाल उठाए हैं। आज कोई ये सवाल नहीं पूछने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि योगी जी इस तरह से ये सुविधावादी तरीके से ये गाड़ी क्यों पलटी, क्यों मारा गया। ढेरों सवाल हैं और उन्हीं सवालों के साथ डॉक्टर एनसी अस्थाना से मैंने बातचीत की। जिस तरह से ये एनकाउंटर बताया गया है, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस एनकाउंटर के बारे में सुन के? मेरा पहला रिएक्शन ये है कि इससे ज्यादा फेक स्टोरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अभी कल ही इन लोगों ने बात की कि प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर इन परिस्थितियों में हुआ कि उसने हथियार छीनने की चेष्टा की, उसके बाद भागा तो गोली के एक्सचेंज में मारा गया। एक बार माफ भी कर दूं कि प्रभात मिश्रा के केस में गलती हो गई, तो वही गलती एक ही दिन बाद कैसे हो गई? दिस इज अनबिलीवेबल। आई मीन टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। मतलब कोई बहुत ही थर्ड रेट का फिल्म प्रोड्यूसर हो वही इस टाइप की बनाया क्या, ऐसा नहीं होता। वहीं अजीत अंजम ने भी अपने शो के द्वारा इस एनकाउंटर के फर्जी होने की आशंका जताई है और कुछ अहम सवाल खड़े किए हैं। अब पहला सवाल तो यही है, उसके बाद मैं बयान और वीडियो पर आता हूं कि अगर गाड़ी ऐसी पलटी, उस पलटी हुई गाड़ी से 4 सिपाही उसमें हथियार बंद, क्या विकास दुबे को इतना मामूली कोई फूल वाला मुलजिम मान रहे थे कि हाथ खुले हाथ के साथ 4 पुलिस वाले ले जा रहे थे और इतनी आसानी से उस पलटी हुई गाड़ी में से पुलिस वाले उसमें फंसे हुए हैं, घायल हैं, और ये विकास दुबे उसमें से जो पहले से सुनते हैं लंगड़ाता है वो उसमें से निकलकर भागता है, उनका पिस्टल भी छीन लेता और भागता भी है। मतलब उसको कुछ नहीं हुआ, 4 पुलिस वाले घायल हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, विकास दुबे वहां से पिस्टल लेकर भागता है। जो गाड़ी पलटी हुई है उसके शीशे दरवाजे खुले हुए नहीं दिख रहे, तस्वीरों में नहीं दिख रहे, हो सकता है बंद कर दिया गया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मौका वारदात पर जो जिस अवस्था में गाड़ी होती है वैसी होती है, लेकिन फिलहाल वो तस्वीर ऐसी दिख रही है। कुछ सवाल है, हो सकता है इसका जवाब पुलिस दे, तो जवाब पर भी हम बात करेंगे। पुलिस कहती है उसके बाद वो एक पेड़ के पास जाकर उसने फायरिंग की और तब जवाबी फायरिंग में मारा गया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर गाड़ी पलटी तो पहली बात उस पलटी हुई गाड़ी के पीछे भी तो उनकी गाड़ियां आ रही थी, 3-4 जो भी थी, क्या उन गाड़ियों के बीच इतना फासला था कि पलटी हुई गाड़ी तक पहुंचने में उनको इतना टाइम लगा कि उसमें से विकास दुबे निकल भी गया, पिस्टल भी छीन लिया और 200-300 मीटर भाग भी गया। इसके अलावा मेनस्ट्रीम मीडिया भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से सक्रिय लग रहा है। मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उज्जैन से कानपुर लाने के लिए विकास दुबे का ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया गया? उज्जैन में खुद को पकड़वाया तो कानपुर में क्यों भागने लगा? विकास दुबे के हाथ खुले क्यों थे? अगर हाथ बंद थे तो फिर पिस्टल कैसे छीन? एसटीएफ ने अपने हथियार संभाल कर क्यों नहीं रखे? अगर गाड़ी पलटी तो विकास दुबे घायल क्यों नहीं हुआ, जबकि गाड़ी पलटने से 4 पुलिस वाले घायल हो गए? गाड़ी पलटने के बाद विकास भागने की कोशिश करता, ऐसे में गोली पीठ पर लगी। विकास को गोली सीने और सर में कैसे लगी, यानी गोली सामने से मारी गई? घायल 2 पुलिस वालों को गोलियां कहां लगी?
एनकाउंटर से आयन पहले मीडिया की गाड़ी क्यों रोक दी गई? एनकाउंटर से पहले विकास दुबे की गाड़ी क्यों बदल दी गई? क्या एनकाउंटर की जगह पहले से तय थी? अगर नहीं तो वहां आसपास पहले से पुलिस टीम कैसे मौजूद थी? उज्जैन में मंदिर के गार्ड ने विकास दुबे को धर दबोचा था, कानपुर में भागते विकास को एसटीएफ के महारथी क्यों नहीं काबू कर पाए? हम उम्मीद करेंगे कि सरकार और पुलिस इन सवालों के जवाब देंगे और सच देश के सामने रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।